हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए ब्लॉग में। तो आज मैं जा रहा हूँ घूमने, ये फोर्ट रीजेंट जो जर्सी का कैपिटल है सेंट हेलियर, वहाँ पे एक छोटा सा हिल है ऊपर, जहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि जर्सी ऊपर से, जर्सी की जो कैपिटल सेंट हेलियर है ऊपर से कैसी दिखती है। ओके, तो चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं जा रहा हूँ बाय वॉक, पहुँचने ही वाला हूँ, लेकिन कितना घूम के वहाँ तक। तो शुरू करते हैं आज की जर्नी। ये अराउंड 10 मिनट का वॉक होगा, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत मस्त है यार, अब जहाँ भी छोटे छोटे जैसे पहाड़ वगैरह कुछ भी देखोगे, पत्थर वगैरह कुछ भी होंगे, तो इसको ना इन्होंने क्रेट वायर से बंद किया गया हुआ है, मतलब ताकि अगर कभी आप यहाँ से चल रहे हो बारिश वाले मौसम में या कैसे मौसम में, तो आपके ऊपर पत्थर वगैरह ना गिरे, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ है। बहुत समय हो गया यार सीढ़ियां नहीं चढ़ी। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है यार, मेरे को किसी दोस्त ने रिकमेंड किया था, बोले यार वहां जा, जरूर जाके आ जा, वहां से सेंट हेलियर यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कैपिटल है जर्सी की। तो अभी मैंने आधा ही पहाड़ चढ़ा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ सेंट हेलियर का नज़ारा। अभी ऊपर तो और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अभी मैंने आधा ही पहाड़ चढ़ा है, लेकिन यार बहुत अच्छा लग रहा है बीइंग पहाड़ी होने के। तो नज़ारा तो आपको दिख ही रहा होगा पीछे, कितना खूबसूरत दिख रहा है। बहुत समय के बाद ऐसे स्टेप्स चढ़ रहा हूँ, तो मस्त लग रहा है यार। एकदम वो घर वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। फाइव मिनट्स का वॉक है दादा जी, सेंट हेलियर से चलो मेरे को तो 5 मिनट्स बोल सकता हूँ, लेकिन नॉर्मली 10-15 मिनट लग जाएंगे यार दादा जी। भाई साहब सीधी सीधी पौड़ी होना है इन्होंने। चलो बुलाबा आया है, माता ने बुलाया है। एक बार मैसेज आकर भाई, इंडिया में जो माता के मंदिर जाते हैं हम, वैसे बड़ी फीलिंग आ रही है। गाइस पहुंच गया हूं मैं फोर्ट रेजेंट में, तो यहां पे कुछ नोट दिया है इन्होंने, मेन पब्लिक एंट्रेंस से एंट्री पब्लिक प्रिंसिपल, सो उधर जाके मेरे को देखते हैं कुछ एंट्री फीस अगर होगी यहाँ। देख सकते हैं आप यार यहाँ से, तो चलिए दोस्तों
ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। लिटरली ये मेरी आज तक की यहाँ की जो सबसे फेवरेट जगहों में से एक होने वाली है यार। बहुत इसको देख के ऐसे लग रहा है एकदम घर वाली फीलिंग, घर घर समझते हो, घर किसको बोलते हैं, वो वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे देवदार के पेड़ है भाई, कैन यू इमेजिन। एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड जब मैंने इस जगह को देखा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, एकदम घर की याद आई है इसको देख के। दोस्तों यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं, ये जो घंटे तक यार ये ऐसा लग नहीं रहा भाई मेरे को किसी एंगल से, मैं यूके में हूँ। ये बिल्कुल हमारे वहाँ पे, आप अगर आप कभी हिमाचल वगैरह जाओगे तो बिल्कुल सेम है। बहुत सारी चीज़ें जिनको देख देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, और ऐसी चीज़ अगर आपको यूके में जर्सी में देखने को मिल जाए तो भी चीज़ रियली मैं शॉक हो गया यहाँ पे आज। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स यहाँ पे मिले, स्पेशली देवदार यार, दिखाऊंगा मैं आपको आगे वीडियो में भी। ये देखिए अभी ये छोटा है, बड़ा वाला उस साइड को है जहाँ मैं पहले जाके आ गया, और इस साइड से आप देख सकते हैं सेंट हेलियर का नज़ारा। लिटरली यार फोर्ट रेजेंट इज रियली सो ब्यूटीफुल प्लेस। अराउंड मैं इधर ही 5 मिनट की वॉक पे काम करता हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई ये जगह इतनी खूबसूरत है। इट्स रियली सो अमेजिंग। आ जा यहाँ इस जगह से, सच में जर्सी बहुत खूबसूरत दिखती है। इट्स रियली सो ब्यूटीफुल, और बड़ी भी दिखती है यार। वहाँ देखो भाई खेत भी दिखने लग गए, यहाँ से फील्ड देख सकते हो आप। ये देखो भाई जर्सी में खेत, वाह। आई डोंट नो इन्होंने ये स्पीशीज यहाँ पे तो मेरे को नहीं लग रहा किसी भी एंगल से होती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, और ये देखिए भाई हमारे वहाँ पे भेड़ बकरियों को जो घास, भेड़ बकरियों का सर्दियों का घास ही होता है। सर्दियों में नॉर्मली हमारे पास वहाँ पे घास सूख जाता है, मतलब सब कुछ सूख जाता है, तो हम इनको काट के भेड़ बकरियों या फिर गाय मेरे को देते हैं। रियली मैन, तो चलते आगे। ऐसी ऐसी गुफाएं यहाँ पे बहुत है यार। यहाँ से तो एग्जिट छत जाने के लिए नहीं है, कुछ देने से मेरा होगा। तो एकदम भाई छोटा सा जंगल लग रहा है भाई यहाँ पे, बिल्कुल सिटी के बीच में है। विश्वास ही नहीं हो रहा भाई कि यहाँ जर्सी में ऐसी भी एक जगह है। वाह, मेरे कुलीग होंगे जो बहुत यहाँ पे काम करते हैं उनको भी नहीं पता होगा कि यहाँ पे ऐसी जगह है। कैन यू इमेजिन।
अब चलते हैं इसकी। नॉर्मली ये राउंड राउंड है, आप चारों तरफ घूम सकते हैं, लेकिन इस तरफ को ये बिल्कुल सेंट हेलियर के अपोजिट में है, सेंट जेवियर साइड। भाई साहब सामने समंदर देखिए, कितना प्यारा लग रहा है समंदर। वेरी नाइस प्लेस, वेरी नाइस प्लेस, मजा आ गया। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ नोटिस डाला हुआ है कि अनऑथराइज पर्सन इस जगह से आगे नहीं जाएं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे शेर ही कुछ समय में शेर निकल जाएगा यहाँ के बीच से, एकदम डरावनी जगह है। तो लेके चलता हूँ आपको नीचे, दिखाता हूँ आपको जस्सी में छोटे छोटे दो देवदार के पेड़, ज़्यादा बड़े तो नहीं है लेकिन हाँ देवदार जरूर है यार। साहब देवदार के जंगल बहुत मिस कर रहा हूँ यार, देवदार जंगलों का ठंड भाई साहब, यहाँ भी यहाँ पहाड़ में कड़ाके की ठंड है, कड़ाके की किसको बोल समझ गए ना। ओहो तो भाई ये छोटी छोटी सी गुफाएं हैं इस फोर्ट में, आगे से कुछ निकल ही नहीं जाए। भाई साहब एकदम डरावना सीन है रे बा। नहीं नहीं पहुंच गया आई नीचे, छोटी छोटी सी केव्स बनाई हुई है विच मेक्स दिस प्लेस सीरियसली सो ब्यूटीफुल। तो आ गया हूँ इस तरफ, ये है जहाँ की मैं बात कर रहा था। कुछ एक एरिया जो बंद भी पड़ा हुआ है, आज संडे तो इसलिए थोड़ा नॉर्मली ये आज थोड़ा आपको लग रहा होगा कि आसपास कोई नहीं है। ऐसी जगह चाहिए भाई दूर दूर तक था जहाँ पे कोई मेरे को, ये तो शोरू का डाल है इधर इस तरफ, ये है देवदार। मैं इस जगह को आ रहा था तो मेरे मन में दो विचार थे यार, आऊं ना आऊं क्या करूं। लेकिन अभी यहाँ आके मेरे को ऐसा लग रहा कि भाई बहुत सही किया यहाँ आके। अगर जब भी मेरे को थोड़ी सी घर की याद या कहीं की भी, भाई साहब तो इस जगह पे आके बैठ जाओ, तम वही हिमाचल वाली फीलिंग, साथ साथ में समंदर। यहाँ पे क्रेन लगी हुई है काम में, चलो जी अपना काम कर, हम अपना काम करते हैं। यहाँ से ऊपर नहीं, इस तरफ को तो म्यूजियम में तोहफे तो आपको आगे दिखाएंगे यार। आज आज समंदर देखिए आज क्या उफान पे, तब पानी आया हुआ है बाहर, समुद्र देव आज बहुत फोन पे। भाई बारिश भी आने वाली है यहाँ पे, अभी मौसम बहुत खराब होकर रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं हो कहीं ब्लॉग ब्लॉग के चक्कर में भाई तुम्हारा पड़ गया बीमार हूँ भाई साहब। यहाँ डॉक्टर फिर बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। ओ, ये देखो तो सिटी से इसके नीचे से ना एक टनल है, एक्चुअली में इसके नीचे से एक टनल है जो उस तरफ जो सेंट हेलियर है वहाँ पे निकलती है। नॉर्मली ये गाड़ी यहाँ से सेंट हेलियर निकलेगी, बहुत छोटा सा टनल है लेकिन अच्छा है।
जब इस तरफ को मैं देख रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि भाई जैसे मैं, हाँ यार, हाँ मैं हूँ। और जब मैं यहाँ आसपास के माहौल में देख रहा हूँ तो एकदम लग रहा है भाई यार ठंड भी वही आ रही है, आज ठंड भी वही पहाड़ वाली आ गई है यार। यहाँ पे सस्ते पहाड़ बोल सकते हैं इनको, यूके के सस्ते पहाड़। भाई जिनके अपार्टमेंट यहाँ पे है यार, उनको तो बहुत, भाई साहब हाथ देखो हाथ कैसे हो गए एकदम। इसको देखे कि गाना याद आ रहा है, करी लेनी पड़ारी सैर, करी लेनी पड़ारी सैर। ये जो यार, ये यहाँ पे जो आपको बाहर की जो ये दीवारें दिख रही है ना, ये ग्रेनाइट की बनी होती है। और ग्रेनाइट बोले तो बहुत ही पक्की चीज़ होती है कोई एकदम। भाई साहब अब यहाँ से आगे वहाँ चलते हैं लास्ट पॉइंट पे। भाई साहब ठंड के क्या कहने आज यहाँ पे, लेकिन यार मज़ा आ गया जगह पे घूम के, मज़ा आ गया एकदम शांति सुकून। वो जो पहाड़ों मता वही वही है यहाँ पे। तो ये है यहाँ पे इसका, शायद अगर आप गाड़ी वगैरह से यहाँ फोर्ट रेजेंट में आए तो ये है यहाँ का पार्किंग एरिया। अब तो भाई जहाँ मेरा दिल कर रहा है मैं वहाँ घूमने जा रहा हूँ। यहाँ पे आके ऐसा बोल रहा हूँ तो ये देखो यार, एग्जिट में यहाँ से करूँगा। बच्चों की तरह नाक बहना शुरू हो गया अब यहाँ पे ठंड में। तो ये है कुछ इस तरह का नज़ारा गाइस इस साइड का। लेकिन बहुत खूबसूरत जगह यार, लिटरली मज़ा आ गया यहाँ पे। तो ये यार कुछ इस तरह से सेंट हेलियर का नज़ारा यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बबुआ। बहुत ही सुंदर है भाई। अबे यार यहाँ पे तो क्या बोलते हैं दोस्तों, उड़ा दे यहाँ से सेंट हेलियर को। चलो यार, जिसका नमक खाया है खूबसूरत से खूबसूरत। अच्छा ये बाहर वाला रास्ता है जो यहाँ आ रहा था भाई, यहाँ से मेरा बोन गिर जाएगा तो। अब मैं आपको एक एक जगह के बारे में बता दूँ यहाँ से, क्या कौन कौन सी जगह दिख रही है मेरे को। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला जो होटल है ये है मेरा पोमेदार होटल जहाँ पे मैं काम करता हूँ। और ये है इसके जो आगे जो एरिया है इसको बोलते हैं लिबर्टी स्क्वायर। ये जा रहे फिर रोड है आगे आपका, यहाँ पे शिप वगैरह है
भाई ठंड में आवाज़ नहीं निकल रही है अंदर से। बहुत पुरानी तोहफे होगी भाई, कैसे काम करती होगी पता नहीं। चलो अभी सैंपल ही देखें। भाई अब हो गया है बहुत, ठंड में बीमार नहीं पड़ जाऊं। ये यहाँ से नहीं खुलेगा शायद। अब भाई ये ऑटोमेटिक डोर यहाँ पे काम नहीं कर रहे, शायद भाई ऑटोमेटिक है ही नहीं। अब लगो पूरा राउंड घूमना पड़ेगा मेरे को, मैं जहाँ से पहले शुरू किया था। ऊपर से ये ठंड, उफ। कोई तो काम करो यार भाई साहब। हेलो खुलो बे, ये नहीं खुलने वाले अब पूरा। यहाँ पे आप देखो यार अंदर, अगली वीडियो। भाई साहब पूरी इसका पूरे फोर्ट का राउंड मार लिया लेकिन एग्जिट नहीं मिला मेरे को बाहर का। चलो क्योंकि ऑटोमेटिक डोर है तो फिर वो खुलेंगे नहीं, यहाँ से देखते अब जाके। खूबसूरती फक, ये भी लॉक हो गया वैन यहाँ से। भाई साहब जहां जा रहा हूँ वहीं से लॉक होता जा रहा है। पुश टू ओपन। वाह खुल गया, थैंक यू यार भाई। चलो तो भाई साहब इनको यार ठंड नहीं लग रही है, किसी को भी ठंड नहीं लग रही। यहाँ पे देखो चड्डी पहन के आ गए। एंट्री प्लीज टेक केयर व्हेन यू इज इन डोर चिल्ड्रन मस्ट। बच्चे यार तो गाइस अब जा रहा हूँ मैं घर की तरफ। अभी यार 4 बजे यहाँ पे आप देख सकते हो, 4 बजे कैसा हो गया भाई एकदम अंधेरा, अंधेरा होना शुरू हो गया 4 बजे। आगे जैन वगैरह में तो जैसे जैन वगैरह में तो अंधेरा शायद 3 बजे यहाँ पे हो जाएगा। चलो तो गाइस चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपका अपना होस्ट डीजे मामटी, धन्यवाद।